नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है और उसकी पूजा करने की पूर्ण विधि क्या है। तो मित्रों, इस साल 2022 शरद पूर्णिमा का पर्व 2 दिन का पड़ रहा है। तो मित्रों, इसी आशंका को दूर करने के लिए मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर के आया हूँ कि शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को मनाएँ। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को स्किप ना करें, जिससे किसी जानकारी से आप वंचित ना रह जाएं। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व होता है। वैसे तो सभी पूर्णिमा महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन शरद की जो पूर्णिमा होती है उसका खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत के समान होती हैं। यही वजह से है कि लोग इस दिन पूर्णिमा की रात चावल की खीर बना करके खुले आसमान के नीचे रखते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर खीर का सेवन करने से कई रोग दूर हो जाते हैं। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, साथ ही इसकी रोशनी से अमृत की वर्षा होती है। इस साल शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर यानी कि रविवार को है। इसमें त्रयोदशी का 6 हो चुका है, तो इस कारण शरद पूर्णिमा जो मनाई जाएगी 9 अक्टूबर रविवार को ही मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 9 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:41 से शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 2:25 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। अब बात करते हैं क्या है पूजन की पूर्ण विधि। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान आदि करके स्वस्थ वस्त्र धारण कर लें। फिर लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से शुद्ध कर लें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाएं। इसके बाद लाल पुष्प, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी इत्यादि से माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें। फिर पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। फिर शाम के समय पुनः माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ दें। चावल या गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को बाँट दें। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं। जब तक के लिए आप बने रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।